गाइस अपनी जो ड्रैग रेस लग चुकी है जिप्सी के साथ, ये जो जिप्सी चला रहे हैं मेरे भाइयाँ हैं, बुआ के हस्बैंड हैं, तो अभी ये रास्ते में मिल गए, तो ये तो गाड़ी भगा रहे हैं ठीक ठाक। मैं ड्यूक इसलिए नहीं भगा पा रहा हूँ इतनी, क्योंकि इसका टायर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है पिछला, हम टायर डलवाने ही जा रहे हैं इस टाइम। इसका हैंडल जो वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब हैंडल जो कॉन्सेप्ट है वो लूज़ हो चुका है, तो मतलब प्रॉपर हम भगा नहीं पा रहे, हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो जितना हो रहा है उतना मैं भगा रहा हूँ। सीधे रोड पर मैं ओवरटेक ले सकता हूँ इनसे, मोड़ पर मैं बिल्कुल भी ओवरटेक नहीं ले पाऊँगा। बरसात का मौसम है तो जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी हैं, चिड़ी कीचड़ हर जगह, तो बाइक स्किट होने के ज़्यादा चांसेस है। अपनी तरफ से तो मैं करूँगा कोशिश ओवरटेक करने का, बिल्कुल जहाँ सीधा रोड आएगा वहाँ पर ओवरटेक करेंगे। कमी करा।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम जो ड्यूक 390 में जो नया टायर डलवाने आए हैं साहब, सभी टायर चेंज करवा रहे हैं। देखो हमने जो टायर लिया वो ट्रैम्पलर है, अपोलो ट्रैम्पलर। ये 10,300 रुपये के दोनों सेट पड़े हैं। हमें टायर डलवाने के बाद इसकी सर्विसिंग करवानी है, हमने हैंडल भी करवाना है। हैंडल थोड़ा वाइब्रेट कर रहा है, मतलब कॉन्सेप्ट जो वो लूज हो गया है। ताकि आप वीडियो इन्जॉय करो। गर्म है बहुत ज़्यादा, पूरा टायर खत्म हो गया बिल्कुल, ऐसे पेपर की तरह बच जा रहा है। ये रहा हमारा नया टायर अपोलो ट्रैम्पलर। पिछला टायर हमें पड़ा है 5,800 रुपये का, और जो फ्रंट टायर है वो हमें पड़ा है 4,600 रुपये का। लेकिन हमें डिस्काउंट दे दिए 100 रुपये का, तो 10,300 रुपये में दोनों सेट दे दिए। तो अपना पिछला टायर लग चुका है, ऑफ रोड टायर लगा रहे हम लोग, क्योंकि एक्चुअली दूसरे वाले हमारे रोड में कामयाब हुए जो अपोलो अल्फा हो, तो बेकार टायर है। तो मैं अपनी बाइक में 2 बार चेंज करवा बैठा हूँ 1 साल के अंतर पर। अब ये वाला बजाया मैंने अपनी 390 में भी, अब देखते हैं कितना चलता है कितना नहीं।